हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छिपकली को कैसे भगाया जाए। छिपकली या जिसे टिकटिकी भी कहते हैं, लिजर्ड भी बोलते हैं, ये हम सबके घर में घुस जाती है और मोस्ट ऑफ अस को घिन आती है और डर भी लगता है। तो मैं मेरे घर में भी कभी कभी छिपकलियाँ घुस जाती थी, तो मैं उसे हिट से भगाती थी, झाड़ू से भगाती थी, पूरा ड्रामा होता था। तो फिर मैंने एक दिन अचानक अमेजन में देखा कि ये लिजर्ड के लिए स्पेशल स्प्रे आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए और इसे मंगाया जाए। इसमें लिखा हुआ था कि ये हर्बल भी है और ये लिजर्ड को आराम से भगाता है, इसलिए मैंने इसे मंगाया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जो बताती हूँ कि ये जो इसमें लिखा हुआ था कि ये हर्बल है, इसमें इसेंशियल ऑयल्स हैं, नेचुरल है, ज़्यादा केमिकल्स नहीं हैं। छिपकली यूजुअली हमारे किचन में घुस जाती हैं या कहीं घुस जाती है, तो मैंने सोचा किचन के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हालांकि ये एक्सपेंसिव तो बहुत था, इसका देखिए 699 प्रिंटेड प्राइस दिखा रहा है इसमें, तो भी मैंने सोचा कि चलो मंगाते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट अमेजन में मिलता ही है। तो मैंने मंगाया, तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे घर में दो छिपकली घुस गई थी जिसके ऊपर मैंने स्प्रे किया। तो इसमें एक चीज़ जो थी जो मुझे थोड़ी कम जमी वो ये थी कि इसकी नोज़ल, इसका जो स्प्रे निकलता है वो बहुत अच्छा नहीं निकलता है, मतलब उतने फुहारे के साथ नहीं निकलता है। जैसा आप देख सकते हैं इस बार तो अभी तो कैसे निकला, ये देखिए उतना अच्छा अभी इस बार अच्छा निकला, लेकिन अभी देखिए कितना पास से निकला। छिपकली पे तो हम दूर से एम करते हैं, जैसे कि दूर से एम करते हैं तो कभी कभी दूर जाता है स्प्रे, देखिए, और कभी कभी नहीं जाता है। तो ये चीज़ एक है, इसका ये जो पोर्शन है ये बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं इसको क्या करने वाली हूँ कि मैं इसको दूसरे बॉटल में डाल दूँगी, दूसरे स्प्रेयर में डाल दूँगी। ऐसे ये लॉक होता है कि ये उड़े नहीं, इसको ऐसे अपने घुमा के लॉक कर सकते हैं, तो ओवरऑल ये अच्छा है। अब रही इसके इफ़ेक्टिवनेस की बात, तो इसके ऊपर मैंने 2-3 बार छिड़का है छिपकली के ऊपर, उसके बाद वो मुझे दिखी नहीं, कहीं जाके छुप गई है। अभी फिर से दिखेगी तो मैं फिर से उसके ऊपर स्प्रे कर दूँगी। तो इसमें जो लिखा है कि छिपकली इसे भाग जाती है, मुझे नहीं लगता है कि बंद दरवाजे से छिपकली भाग पाएगी, वो मर जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे पहले हिट यूज़ करती थी छिपकली पे, हिट जैसे 2-4 बार मारती थी, 5 बार मारती थी तो छिपकली मर जाती थी या घर से बाहर भाग जाती थी, मैं दरवाज़ा खुला रखती थी। इसके मैं ऑलरेडी 4-5 बार मार चुकी हूँ, लेकिन वो अभी तक मरी नहीं है, वो इधर उधर भाग जाती है, बच के निकल जाती है। तो ये उतना इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ हर्बल है और किचन में अगर छिपकली है तो उसके लिए ये ठीक है, आप बार बार स्प्रे करते रहिए, वो किचन की खिड़की से या कहीं से भाग जाएगी। लेकिन अगर आपकी दूसरी जगह है छिपकली, हॉल में, रूम में, अलमारी में, तब तो मैं बोलूँगी बिंदास हिट यूज़ कीजिए। हिट ज़्यादा स्ट्रांग है, ये माइल्ड है, ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसलिए फिर से रिपीट करती हूँ, ये किचन के लिए अच्छा है, लेकिन रूम के लिए, अलमीराज के लिए, वार्डरोब्स के लिए आप हिट यूज़ कीजिए, हिट ज़्यादा काम करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम का होगा और आपको इससे कुछ यूज़फुल टिप्स मिले होंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।